Hi guys, good morning, how are you? Today we are going to study about bacterial vaginosis. Bacterial vaginosis यह एक sexually transmitted disease है. तो आज हम लोग STD पढ़ेंगे, sexually transmitted disease. कौन सी disease पढ़ेंगे? Bacterial vaginosis पढ़ेंगे. यह ऐसी बीमारी होती है, ऐसी समस्या होती है जिसमें व्यक्ति यौन संपर्क के दौरान कंडोम का इस्तेमाल नहीं करता, तब यह बढ़ने की जो है संभावना बढ़ जाती है बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने की. और असुरक्षित यौन गतिविधि के कारण भी हो सकता है ऐसा. और यदि आपका यौन साथी STD से पीड़ित है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से किसी पीड़ित है, तब भी आपको ये संभावना हो जाती है वह होने की. या फिर आपका यौन साथी कई अन्य लोगों के साथ यौन संबंध बना रहा होता है, उस स्थिति में भी बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने की संभावना हो जाती है. जैसे आप जानते हैं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो कई प्रकार की होती हैं, जैसे क्लाइमेडिया हो गया और गोनोरिया हो गया, HIV हो गया, SPV, तमाम तरह के रोग हैं. ठीक उसी प्रकार यह बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी आपका जो है रोग है. तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बैक्टीरियल वेजिनोसिस. बैक्टीरियल वेजिनोसिस इसका परिचय हम लेते हैं, इंट्रोडक्शन. बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज अ टाइप ऑफ वेजाइनल इन्फ्लामेशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द ओवरग्रोथ ऑफ वन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन द वेजाइना अपसेटिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ वेजाइनल बैक्टीरिया. बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है यह एक प्रकार की यौन की इन्फ्लामेशन है, वेजाइना की सूजन है, जो वेजाइना में प्राकृतिक रूप से मौजूद कई प्रकार के बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ के कारण होती है, अतिवृद्धि के कारण होती है. और यह जो अतिवृद्ध बैक्टीरिया की यौन में जो है बैक्टीरिया की जो अतिवृद्धि होती है, यह नेचुरली बैलेंस जो होता है उसको प्रभावित करता है, उसके संतुलन को परेशान करता है. और Women in the year reproductive year are most commonly affected by bacterial vaginosis. अपने प्रजनन वर्ष में बोले तो 15 to 45 years, 15 से 45 साल के बीच में महिलाएं बैक्टीरियल वेजिनोसिस से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं. But any woman can experience the condition. लेकिन कोई भी महिला इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती है. डॉक्टर डोंट नो एक्चुअली वाई बैक्टीरियल वेजिनोसिस डेवलप. डॉक्टर जो हैं इसके ठीक से नहीं जान पाते हैं या नहीं जानते हैं कि बैक्टीरियल वेजिनोसिस क्यों विकसित होता है. लेकिन बट सर्टेन एक्टिविटीज सच एज अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और फ्रिक्वेंट टचिंग पुट यू एट हायर रिस्क ऑफ द कंडीशन. लेकिन कुछ गतिविधियां जैसे असुरक्षित संभोग या बार बार चक्कर आना आपको उच्च स्थिति में उच्च जोखिम में डाल सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम इसके जो हैं, लक्षण क्या हैं, साइन क्या है इसके. तो वेजाइनल डिस्चार्ज दैट थिन एंड ग्रेस वाइट, यौन से पतला और भूरा सफेद जो है द्रव श्रावित होता है. फोल स्मेलिंग फिशी वेजाइनल ओडोर स्पेशली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, विशेष रूप से संभोग के बाद फुल महक वाली यौनी गंध होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, इसके लक्षण हैं. वेजाइनल इचिंग, यौन में खुजली होती है. बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, पेशाब के दौरान जलन होती है. However, many women with bacterial vaginosis have no sign or symptom at all. बोले तो bacterial vaginosis वाली कई महिलाएं में जिनको यह बीमारी होती है उनके पास कोई लक्षण इसके जो है नहीं दिखाई देते, नहीं कोई साइन सिम्टम मिलता है. नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट एंड डायग्नोसिस. हिस्ट्री इसकी हम लेते हैं. हिस्ट्री स्पेशली अबाउट एनी प्रीवियस वेजाइनल इन्फेक्शन
और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बोले तो इसका इतिहास हम लेते हैं, इतिहास में क्या लेते हैं, विशेष रूप से किसी भी पिछले वेजाइनल इन्फेक्शन या एसटीडी बोले तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोई अगर इसके पहले इसको हुआ है पेशेंट को या महिला को, तो हम जो है इसकी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन यदि कोई असामान्य लक्षण प्रतीत होता है तो अपने श्रोणि अंगों पेल्विक ऑर्गन को क्या करना चाहिए, जांच करना चाहिए, जिससे आपको जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस का पता चलता है ये बीमारी हुई है या नहीं। नेक्स्ट है टेक अ सैंपल ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन, मतलब यौन स्राव का एक नमूना लेते हैं जांच के लिए। क्यों लेते हैं, जांच के लिए। दिस में बी डन टू चेक फॉर एन ओवर ग्रोथ ऑफ एनरोबिक बैक्टीरिया इन योर वेजाइनल फ्लोरा। बोले तो यह आपके यौन में एनएरोबिक बैक्टीरिया बोले तो अवायवी बैक्टीरिया अवायवी जीवाणुओं के ओवरग्रोथ अतिवृद्धि के लिए जांच करने के लिए लिया जाता है। जो डॉक्टर में एग्जामिन द वेजाइनल सिक्रेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप, आपका डॉक्टर माइक्रोस्कोप की सहायता से यौन स्राव की जांच करता है। नेक्स्ट इसमें है लुकिंग फॉर क्लू सेल बोले तो सुराग कोशिकाओं की तलाश में। वेजाइनल सेल्स कवर्ड विद बैक्टीरिया दैट आर साइन ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, वह जो है डॉक्टर क्लू सेल की तलाश में जांच करता है यदि वेजाइना की कोशिकाओं को बैक्टीरिया कवर किया है ओवरग्रोथ के साथ, तो यह जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस का लक्षण होता है। योर डॉक्टर मे आल्सो चेक द एसिडिक ऑफ योर वेजाइनल एनवायरनमेंट, आपका जो डॉक्टर है आपकी यौन में बाय प्लेसिंग अ पीएच टेस्ट स्ट्रिप इन योर वेजाइना, आपका डॉक्टर आपकी यौन में पीएच परीक्षण की जो पट्टी आती है उसको लगा करके यौन के वातावरण की अम्लता की जांच करता है। यदि यौन का पीएच मान जो है 4.5 या उससे अधिक होता है तो यह बैक्टीरियल वेजिनोसिस का एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट में इसका हम जो क्या प्रयोग करते हैं मेट्रोनिडाजोल, जिसमें आता है फ्लाइजिल आता है मेट्रोजिल आता है और मेट्रोजिल वेजाइनल भी आता है, तो इसका हम जो है प्रयोग करते हैं। 2 ग्राम पीओ1 जेल पीबी, मतलब कि एक बार इसको जो है 2 GPO एक बार और जेल पीबी का प्रयोग करते हैं। इफ प्रेग्नेंट यूज मेट्रोनिडाजोल 400 mg पर 12 hour पीओ फॉर 5 days, यदि गर्भवती है तो 5 दिनों के लिए मेट्रोनिडाजोल का हम जो है प्रयोग करते हैं। और संतुलित नेक्स्ट है बैलेंस एक्टिव वेजाइनल एसिडिक जेल कैन बी यूजफुल अल्टरनेटिव। संतुलित सक्रिय यौन अम्ली जेल एक उपयोगी विकल्प होता है इसके लिए जो है। और नेक्स्ट है क्लिंडामाइसिन में आता है क्लियोसिन आता है क्लिंडेज आता है और अदर्स में और कई दवाएं आती हैं, तो क्लिंडामाइसिन 2% आता है वेजाइनल क्रीम होती है, इसको हम जो है प्रयोग करते हैं। यदि इफ रिकरेंट ट्रीटिंग द पार्टनर में बी हेल्पफुल, यदि पुनरावृत्ति होती है तो रिकरेंट होता है तो ट्रीटिंग द पार्टनर में, तो यह जो है पार्टनर के साथी का इलाज करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। तो जटिलताएं क्या क्या हो सकती हैं इसमें, तो जनरली बैक्टीरियल वेजिनोसिस डजंट कॉज कॉम्प्लिकेशन,
बोले तो आमतौर पर बैक्टीरियल वेजिनोसिस जटिलताओं का कारण नहीं बनता है, इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंस हैविंग बैक्टीरियल वेजिनोसिस में लीड टू, बोले तो लेकिन कुछ सम विशेष परिस्थितियों में बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने का कारण होता है, जैसे प्री टर्म बर्थ, बोले तो प्री टर्म बर्थ इन प्रेग्नेंट वोमेन बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज लिंक्ड टू प्रीमेच्योर डिलीवरीज एंड लो बर्थ वेट बेबीज, बोले तो गर्भवती महिलाओं में बैक्टीरियल वेजिनोसिस समय से पहले प्रसव और कम वजन वाले शिशुओं से अगर डिलीवरी होती है तो यह जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने का खतरा बढ़ता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यौन संचारित संक्रमण, बोले तो हैविंग बैक्टीरियल वेजिनोसिस मेक वोमेन मोर सस्पेक्टेबल टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने से महिलाओं में यौन संचारित संक्रमणों जैसे सच एज HIV, हर्प्स, सिंप्लेक्स वायरस, क्लैमिडिया और गोनोरिया, यदि जैसे HIV, हर्पीस, सिंप्लेक्स वायरस, क्लैमिडिया, गोनोरिया होने की अधिक संभावना हो जाती है। यदि महिलाओं में कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो इनमें ये रोग जैसे HIV हुआ, हर्पीस हुआ, सिंप्लेक्स वायरस हो गया, क्लैमिडिया हो गया, ये जो है होने की जो है संभावना अधिक हो जाती है। इफ यू हैव HIV, यदि आप के पास HIV है या HIV पीड़ित हैं तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस इंक्रीज द ओड्स दैट यू विल पास द वायरस ऑन टू योर पार्टनर। तो बैक्टीरियल यदि आपके पास HIV है तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस उन बाधाओं को, उन रोगों को बढ़ावा देता है जैसे जो आप जिससे आपके साथी को भी यह रोग हो सकता है या जिससे आप अपने साथी को भी यह वायरस दे देंगे। नेक्स्ट इसमें है इन्फेक्शन रिस्क आफ्टर गायनेकोलॉजी सर्जरी, स्त्री रोग संबंधी सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा। हैविंग बैक्टीरियल वेजिनोसिस में भी एसोसिएटेड विथ ग्रेटर चांस ऑफ डेवलपिंग अ पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शन आफ्टर प्रोसीजर सच एज हिस्टेक्टोमी और डायलेशन एंड कर्टेज, बोले तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होने के बाद हिस्टेक्टोमी या फैलाव और इलाज जैसे कई प्रक्रियाओं के बाद सर्जिकल संक्रमण के बाद विकसित होने की अधिक संभावना होती है। मान लीजिए अगर किसी का ऑपरेशन हुआ, हिस्टेक्टोमी हुआ है तो उसके बाद इलाज के बाद भी यह इन्फेक्शन होने की संभावना बराबर बनी रहती है। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, बोले तो PID, बैक्टीरियल वेजिनोसिस कैन सम टाइम कॉज PID एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड द फेलोपियन ट्यूब दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, बोले तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस कभी कभी PID गर्भाशय के संक्रमण और फेलोपियन ट्यूब का कारण बनता है जो बांझपन के जोखिम को बढ़ा देता है। ये आपकी तमाम तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट निवारण, क्या निवारण इसमें है। नॉट हैविंग सेक्स, बोले तो सेक्स नहीं करना चाहिए। जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है कुछ समय के लिए स्टॉप करना चाहिए। लिमिटिंग योर नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर, अपने यौन साथियों की संख्या को सीमित करना चाहिए, बोले तो एक से अधिक जो है यौन साथी के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। नॉट डचिंग, बोले तो डचिंग नहीं करना चाहिए। डचिंग आपको क्लियर करते हैं कि डचिंग खासतौर से महिलाएं प्रयोग करती हैं दुर्गंध और दुर्गंध को दूर करने के लिए, वजाइना को साफ करने के लिए पानी और तमाम तरह की मिश्रण का प्रयोग करके जो है डचिंग करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि डचिंग जो है ये बहुत अच्छा काम नहीं करता है, ये इससे बैड इफेक्ट पड़ता है और इससे समस्या समाप्त होने की वजह और बढ़ जाती है। तो जबकि अमेरिकन और अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने बताया कि डचिंग जो है नहीं करना चाहिए, लेकिन डचिंग के
कारण आप जान लीजिए कि बर्निंग और जलन के साथ साथ कई तरह के साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए जो है डचिंग जो है नहीं करना चाहिए। तो डचिंग जो है, अगर डचिंग का प्रयोग करता है कोई या फिर ऐसे जो है चीज़ों का प्रयोग करता है, तो वेजाइना की जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उससे छेड़छाड़ होती है, और छेड़छाड़ होने के कारण आप कई तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जो महिलाएं रेगुलर डचिंग करती हैं उन्हें जल्दी डिलीवरी और मिसकैरेज और अन्य प्रेगनेंसी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यह वेजाइना में मौजूद जो हेल्दी बैलेंस बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, तो ये वेजाइनल ईस्ट को बढ़ने से रोकता है। तो प्राकृतिक जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, तो प्राकृतिक संतुलन को ख़त्म करने से जो है ईस्ट बढ़ सकता है, तो इसे ईस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है। और जैसे इसमें और नेक्स्ट जो है यूजिंग कंडोम, और कंडोम का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एसटीडी होने की संभावना नथिंग के बराबर होती है। तो ये आपका टॉपिक था बैक्टीरियल बिजनेसेस। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक।